हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मोर्क रेडियो पर स्वागत है। आइए जानें मध्य प्रदेश PNST एवं GNST 2018 में जो उम्मीदवार पास हो चुके हैं उनकी काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, अब वे अपना रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला था दो दिन पहले कि 14 सितंबर 2018 से MP PNST और GNST की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट में बात की थी और उसका नंबर भी दिया था आप लोगों को, तो वो काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। आप अपना रजिस्ट्रेशन शुरू कर दें ताकि आप इस काउंसलिंग से और आपकी नौकरी से वंचित न रह पाए, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद में काउंसलिंग शुरू हो रही है। कुछ अभ्यर्थी तो ये भूल गए हैं कि काउंसलिंग होगी क्या नहीं होगी, क्योंकि जब कोई एग्ज़ाम आती है उसमें लंबा समय लग जाता है तो उम्मीदवार दूसरी एग्ज़ाम की तैयारी करना चालू कर देता है। क्योंकि हो सकता है मध्य प्रदेश में चुनाव हैं, चुनाव के बाद होगी या पहले होगी पता नहीं चलता, इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, आप अपना रजिस्ट्रेशन चालू कर दें। आइए देखते हैं पूरी जानकारी कब से शुरू होगी, तीन चरणों में होगी। उसके पहले आपको गूगल पे जाना होगा। गूगल पे हम गए, यहाँ हम आपको वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट बता देता हूँ, health.mp.government.in। ठीक है, इस पे टैप कर दिया। जैसे ही टैप कर रहे हैं तो सर्च कर रहा है वेबसाइट को। जैसे ही वेबसाइट आ जाएगी तो स्क्रीन के ऊपर पूरा ब्यौरा दे दिया जाएगा। नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, हर जगह होती है, भारत के किसी भी क्षेत्र में आप देख लो, जब भी कोई चीज़ हम सर्च करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता ही है, क्योंकि जो भी कंपनी है चाहे जियो हो आइडिया हो ये लोग डाटा कम देते हैं और कस्टमर से चार्ज पूरा लेते हैं। सर्च कर रहा है वो, एक बार पुनः ट्राई करता हूँ मैं, www ये अपन ने लिखा ही है पहले से, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लिया है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी, 14 सितंबर से चालू होगी। इसी प्रकार से MP ANM की भी काउंसलिंग 24 या 25 सितंबर 2018 से शुरू हो जाएंगी। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो डाल रखा था, आप लोगों ने वीडियो देखा है, चाहे तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थोड़ा खुलने में टाइम लग रहा है, मैं आपको स्क्रीनशॉट बता देता हूँ इसका। ठीक है जी, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, जब नेटवर्क था उस समय मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। वेबसाइट जब खुलेगी तो इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, यही वेबसाइट है, इसमें सीधा दिया है PNST एवं GNST वर्ष 2018 उत्तीर्ण उम्मीदवारों हेतु MP ऑनलाइन के माध्यम से काउंसलिंग हेतु सूचना। वेबसाइट से खोलोगे आप तो आपको इसी प्रकार का पेज खुलेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सर्च करना है PNST एवं GNST वर्ष 2018। ठीक है, जैसे आप इस पे टैप करोगे तो इस प्रकार सा पेज खुलेगा, ये वाला देख लीजिए आप। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड PNST GNST वर्ष 2018 उत्तीर्ण उम्मीदवारों हेतु शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय उज्जैन एवं जबलपुर तथा शासकीय GNM प्रशिक्षण केंद्रों में प्रवेश हेतु MP ऑनलाइन के माध्यम से काउंसलिंग हेतु सूचना।
ठीक है, ये PNST की है। तो प्रथम चरण काउंसलिंग होगी 14 सितंबर 2018 से 17 सितंबर 2018, ठीक है। आज 16 सितंबर है तो आप देरी ना करें, अगर आपने शुरू कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो अभी आपके पास में एक दिन पूरा पड़ा है। रजिस्ट्रेशन एवं प्रशिक्षण केंद्र का विकल्प चुनना यानी च्वाइस फिलिंग होगी आपकी, या फिर रजिस्ट्रेशन होगा 14 से 17 सितंबर तक। फिर 20 सितंबर को क्या होगा, प्रशिक्षण केंद्रवार आवंटन सूची प्रकाशित की जाएगी दोपहर 2 बजे तक। मतलब प्रथम चरण की काउंसलिंग 14 से 17 सितंबर को होगी और सूची 20 सितंबर तक आएगी, ठीक है। फिर 24 से 25 सितंबर तक क्या होगा, प्रवेश हेतु छात्राओं को आवंटित प्रशिक्षण केंद्र पर उपस्थित होना। जो 20 सितंबर को लिस्ट आएगी वो उम्मीदवार 24 से 25 सितंबर तक जो प्रशिक्षण केंद्र दिया जाएगा वहाँ पे आपको उपस्थित होना है आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ। मैंने डॉक्यूमेंट जो जो लगेंगे उसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, ठीक है। और 26 सितंबर 2018 को रिक्त सीटों की जानकारी संचालय में दोपहर 12 बजे तक दे दी जाएगी। मतलब फर्स्ट काउंसलिंग में जितने पद भरे जाएंगे उसके बाद जो खाली सीट बचती है उन सीटों की उल्लेख 26 सितंबर को दे दिया जाएगा। तो जो सीटें बचती है उसके लिए दूसरी काउंसलिंग होगी, तो दूसरी काउंसलिंग होगी फिर 26 सितंबर से, ठीक है। उसमें फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फिर दूसरी काउंसलिंग 29 से 30 सितंबर 2018 तक चलेगी। फिर रजिस्ट्रेशन एवं प्रशिक्षण केंद्र का विकल्प चुनना होगा, जो भी कॉलेज आपको सूटेबल हो दूरी के हिसाब से कह लो या आपके सुविधा के हिसाब से कह लो, वो आपको प्रशिक्षण केंद्र चुनना होगा। उसके बाद 3 अक्टूबर 2018 को आपको प्रशिक्षण केंद्र आवंटित कर दिया जाएगा और 3 अक्टूबर को वो सूची प्रकाशित की जाएगी प्रशिक्षण केंद्र की, और 6 से 7 अक्टूबर 2018 को प्रवेश हेतु छात्राओं को आवंटित प्रशिक्षण केंद्र पर उपस्थित होना होगा। जो आपने केंद्र चुना है, प्रशिक्षण केंद्र चुना है, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ में उपस्थित होना होगा। तो दो चरणों की काउंसलिंग है, उसके बाद हम देखते हैं GNST की। GNST जनरल नर्सिंग एंड मिड वाइफरी डिप्लोमा पाठ्यक्रम, इसकी काउंसलिंग है। प्रथम चरण में 8 से 11 अक्टूबर को रजिस्ट्रेशन एवं प्रशिक्षण केंद्र का विकल्प, जिसको च्वाइस फिलिंग भी कहते हैं, 16 अक्टूबर को प्रशिक्षण केंद्र की सूची 12 बजे तक आवंटित की जाएगी। फिर 22 अक्टूबर को प्रवेश हेतु छात्राओं को आवंटित प्रशिक्षण केंद्र पर उपस्थित होना होगा। पहले आप रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको प्रशिक्षण कॉलेज दे दिया जाएगा और उनकी फिर लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट आने के बाद में आपको उस कॉलेज में डॉक्यूमेंट के साथ में उपस्थित होना होगा, ठीक है। फिर जो खाली सीट रह जाती है उसकी जो लिस्ट है 23 अक्टूबर 2018 को वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। वो वेबसाइट है nursing.dhs@mp.government.in या फिर www.mponline.government.in पर भी मिल जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से काउंसलिंग होगी और इसमें से कुछ अगर अभ्यर्थी बचते हैं तो इसकी फिर द्वितीय चरण की काउंसलिंग होगी। ये सब कॉलेज इसमें दिया है कितनी कितनी सीट हैं, छिंदवाड़ा, खंडवा, सागर, रतलाम, सतना, रायसेन, झाबुआ, सीधी, राजगढ़, विदिशा, दतिया, देवास, मंदसौर, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, इतनी इतनी सीटें हैं और इन सीटों में आप लोगों का प्रशिक्षण होगा। उसके बाद में फिर आप प्रशिक्षण करें, प्रशिक्षण बहुत टाइट होगा। प्रशिक्षण से संबंधित मैंने वीडियो डाल रखा है, चाहे तो आप उसे देख सकते हैं। मैं उसका उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मेरा ये वीडियो डालने का यही मकसद था कि आप लोग भूल ना जाएं कि काउंसलिंग होगी क्या नहीं होगी। GNM और PNST की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है,
आप अपना रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर जाके शुरू कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है www.health.mp.government.in। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल मोर क्रिएटिव को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें तथा अगले अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले आपके काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।